नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। पीएम मोदी ने अगले 5 साल में देश के विकास को रफ्तार देने के लिए रोडमैप भी तैयार कर लिया है। निर्मला सीतारमन ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही राज्य को 1,39,750 करोड़ रुपए का टैक्स डिवोल्यूशन जारी करने को लेकर हरी झंडी दिखाई है। इसमें यूपी के बाद बिहार को मोटी रकम मिली है। दरअसल अब तक मोदी सरकार विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की बात कहती आई है, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार है, यानी सहयोगियों के विकास को ध्यान में रखना होगा। वहीं इंडिया गठबंधन की संसद में बढ़ी ताकत के बाद विपक्ष को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए एक रिपोर्ट। विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्यों के विकास के लिए जो धनराशि जारी की, उसमें गठबंधन सरकार की झलक मिलती है। निर्मला सीतारमन ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही राज्य को 1,39,750 करोड़ रुपए का टैक्स डिवोल्यूशन जारी करने की हरी झंडी दिखाई। इसके तहत सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को दिया गया। वहीं गठबंधन सरकार वाले बिहार को भी मोटी रकम दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से किए गए इस आवंटन में सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार वाला उत्तर प्रदेश है। केंद्र की ओर से यूपी को 25,069.88 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो वहीं गठबंधन के मजबूत सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला बिहार दूसरे नंबर पर है। वित्त मंत्रालय ने बिहार के लिए 14,056.12 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पैसा पाने वाला तीसरा राज्य मध्य प्रदेश है और इसके लिए 10,970.44 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं केंद्र में नई सरकार बनने के बाद उत्तराखंड को 1,562.44 करोड़ रुपए मिले हैं। अन्य राज्य को मिले पैसों की बात करें तो वित्त मंत्रालय की ओर से पश्चिम बंगाल को 10,513.46 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 8,828.08 करोड़ रुपए, राजस्थान को 8,421.38 करोड़ रुपए, उड़ीसा को 6,327.92 करोड़ रुपए, तमिलनाडु को 5,700.44 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश को 5,655.72 करोड़ रुपए और गुजरात को 4,860.56 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। देश के 28 राज्य को जारी की गई इस राशि में शामिल झारखंड को 4,621.58 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 5,096.72 करोड़ रुपए, पंजाब को 2,525.32 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 1,159.92 करोड़, केरल को 2,690.20 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने राज्यों को जो राशि जारी की है वो राज्यों के बकाया टैक्स की धनराशि है, यानी ये राज्यों का अधिकार था। असल खेल तो अब शुरू होगा जब गठबंधन में शामिल दल अपने राज्यों के विकास के लिए अधिक राशि की मांग करेंगे। खासकर मोदी की सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले टीडीपी और जेडीयू की अपने अपने राज्यों के विकास के लिए कितनी धनराशि की मांग करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। टीडीपी ने कहा कि बीजेपी लीडरशिप के साथ आंध्र प्रदेश के विकास के लिए जरूरी लंबित पड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा शुरू हो गई है। टीडीपी को पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार से हर संभव मदद मिलेगी। टीडीपी नेता और नव निर्वाचित सांसद कृष्णा ने कहा, आंध्र प्रदेश एक राजस्व की कमी वाला राज्य है,
हमें केंद्र से बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होगी। अभी हमारी चर्चा आंध्र प्रदेश में जो लंबित बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें कैसे लागू किया जाए, इस पर केंद्रित है। वहीं टीडीपी की मांग आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी हो सकती है। उधर जेडीयू को भी बिहार के लिए एनडीए सरकार के बड़े आर्थिक लाभ की उम्मीद है। कई सालों से कई उम्मीदें पाले बिहार को लग रहा है कि इस बार उसका दामन खाली नहीं रहेगा और विशेष राज्य के दर्जे सहित कई पुरानी मांगे इस बार पूरी होकर ही रहेंगी। खासकर केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी अधिक हो, इसकी मांग लगातार होती रही है। एनडीए की बैठक में जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका खुलकर संकेत भी दे चुके हैं। पूरे देश की सेवा की अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा, अब बिहार वहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। दरअसल विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने पर केंद्र सरकार उस राज्य को केंद्र प्रायोजित योजनाएं लागू करने के लिए 90% धनराशि देती है, जबकि अन्य राज्यों में यह 60% या 75% होती है। बाकी धनराशि राज्य सरकार खर्चती है। यदि आवंटित धनराशि खर्च नहीं की जाती है तो वह समाप्त नहीं होती है तथा उसे कैरी फॉरवर्ड यानी आगे ले लिया जाता है। राज्य को सीमा शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट कर सहित करों और शुल्कों में भी महत्वपूर्ण रियायतें मिलती हैं। केंद्र के सकल बजट का 30% हिस्सा विशेष श्रेणी वाले राज्यों को जाता है। वहीं मोदी की तीसरी सरकार से विपक्ष शासित राज्यों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। टीएमसी का आरोप है कि मोदी सरकार बंगाल में आर्थिक आतंकवाद फैला रही है, बंगाल के हिस्से की धनराशि नहीं दी जा रही है। अब जबकि विपक्ष मजबूत हुआ है तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को उम्मीद है कि इस बार पीएम मोदी विपक्षी राज्यों के साथ भेदभाव को समाप्त करेंगे। वहीं कर्नाटक और केरल का भी लगातार आरोप है कि उनका राज्य केंद्र के वित्तीय अन्याय का शिकार है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री संविधान के नियमों के मुताबिक राज्य को पर्याप्त वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन तक कर चुके हैं। अब एनडीए की नई सरकार से गठबंधन के सहयोगियों समेत विपक्ष को भी आर्थिक मदद की उम्मीद है। अब देखना है कि तीसरी बार बनी मोदी की सरकार इस बार क्या नया करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो देश के विकास को रफ्तार देने का जो रोडमैप है वो तैयार कर लिया गया है और इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत प्रतिभा जी। अगर बात करें राकेश सिंह यादव जी, क्योंकि विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्यों के विकास के लिए जो धनराशि जारी की उसमें गठबंधन सरकार की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। निर्मला सीतारमन ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए का टैक्स डिवोल्यूशन जारी करने को हरी झंडी दिखाई है और सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को दिया गया है। गठबंधन सरकार वाला बिहार इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पाने वाला दूसरा स्थान रखता है। इसके साथ ही तीसरा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है और इसके लिए 10,970.44 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं केंद्र में नई सरकार बनने के बाद उत्तराखंड को भी करोड़ों रुपए मिले हैं। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। देखिए, केंद्र सरकार का एक दायित्व होता है कि सभी राज्यों को एक समान नजर से देखे। राहत आवास स्पेशल पैकेज का तो सिर्फ चुनावी रणनीति में घोषणा स्पेशल पैकेज की जाती है। 2019 में भी मोदी जी ने बिहार को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की, लेकिन वो स्पेशल पैकेज और वो पैसा आज तक नहीं, सिर्फ घोषणाएं, टैक्स में रिबेट,
और ये इस तरह के प्रयोजन से किसी भी स्टेट का लाभ नहीं होता, वो सीधे उसको लाभ देना नहीं चाह रहे। सीधे लाभ का ये मतलब कि आप किसी भी राज्य को अगर विशेष दर्जा देते हैं तो वहां के लिए जो युवाओं के लिए नौकरी है, कृषि के लिए जो उपाय हैं, उसमें सीधा फंडिंग जाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। आंकड़ों के मायाजाल में इस तरीके से दिखाया जाता है कि बिहार को इतना दे दिया है, यूपी को इतना दे दिया है, लेकिन वो हकीकत में जब वो जमीन को उतरता है तो वो फंड वहां मौजूद नहीं रहता है, वो कागजों में रहता है। मोदी जी इस मामले में माहिर हैं, वो लाखों करोड़ों की घोषणा करते आए हैं शुरू से, इतने बड़े बड़े पैकेज की घोषणा करते हैं। पिछली बार तो 23 लाख या 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करा था उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी आज देश की स्थिति या प्रदेश की स्थिति या बिहार की हम बात करें, उड़ीसा की बात करें, केरल की बात करें, आंध्र की बात करें, वो ठीक नहीं हो पाई नौ साल में। अब ठीक है, समर्थन है, उनको खुश करना है, आंकड़ों की बाजीगरी दिखाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन राज्यों को समर्थन के बहाने कोई बहुत खास लाभ मिल पाएगा। पढ़ने सुनने में जरूर ये आंकड़े अच्छे लग सकते हैं, लेकिन जमीनी आधार पर वो आंकड़े नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि सरकार के पास ये बजट ही नहीं है। ठीक है शाहिद जी, जवाब दे दीजिए। जो बातें कह रहे हैं राकेश सिंह यादव जी, और कह रहे हैं कि मोदी जी पैकेज की सिर्फ घोषणा कर देते हैं लेकिन उनके पास तो बजट ही नहीं है। देखिए, इन लोगों को थोड़ा सा एक खिसियाए हुए राजनेता के तरह अब इंडिया अलायंस के लोग बयान देने लगे हैं। जहां का भी पैकेज होगा, अभी देखिए कहीं भी आपने कुछ चीजें कहने की कोशिश किया लेकिन राकेश जी वो चीज समझ नहीं पाए, लेकिन मैं थोड़ा सा उस पर बोल देता हूँ कि उत्तराखंड को 1500 करोड़ दिया गया है और झारखंड को 4000 करोड़ दिया गया है। आपने ये कहा कि जो वो दिखने लगा है, वो दिखने नहीं लगा है, जो जहाँ का जितना बकाया था उस हिसाब से, उस रेशियो में वहाँ इस तरीके से दिया गया है। जो बड़े राज्य हैं उनका बड़ा बकाया होगा, हिमाचल को भी दिया है, पंजाब को भी दिया है, केरल को भी दिया है, पंजाब को भी दिया है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड को 1500 करोड़, आपने इनसे पूछने की कोशिश की। लेकिन अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में जो पैकेज की घोषणा हुई, बिहार में बहुत पैसे गए पिछली जब सरकार हम लोगों की थी, नहीं थी तब भी केंद्र से जो पैसे जाने थे विकास के काम पूरे देश में, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या केरल हो, केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य का विकास का काम नहीं रोका, न पैसा रोका कहीं का कहीं। भाई देखिए, अब विरोधी राज्य है, उनको चिल्लाने का हक है कि हमको ये नहीं मिला, ममता जी हमेशा चिल्लाती रहती हैं, लेकिन केंद्र सरकार का जो पैसा जाता है उस धन का जो है इस तरीके से दोहन और उसका उसमें भ्रष्टाचार था, इस वजह से सरकार ने बहुत से फंड रोक लिए थे केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार की योजनाएं उन लोगों ने लागू नहीं की, तो इस ये अलग बात हो सकती है, मगर देश में पूरा 140 करोड़ का परिवार कहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी विकास कामों में अवरोध नहीं करते हैं। तमिलनाडु में देखिए औद्योगिक विकास किस तरीके से है, महाराष्ट्र में भी वैसे ही है। तो जो पैसे जाते हैं यहाँ से वहां के सरकारों को दिए जाते हैं, केंद्र सरकार का उनकी हिस्सेदारी दी जाती है, और पैसे बहुत हैं, पैसे की कमी कहाँ है सरकार के पास। ये कहे ना, ये तो 3 किलोमीटर सड़क बनाते थे, हम 38 किलोमीटर रोज बना रहे हैं, पैसे नहीं है तो कहाँ से बनते। ये लोग विकास के कामों को, आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम दूसरे नंबर पर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दूसरे नंबर पर हैं, पूरे विश्व की जो चीजें हैं यहाँ पर स्थितियां जो है बदली हुई हैं दो हमारी दो सरकारों में, और अब तीसरी सरकारों में आपको दिखेगा कि किस तरीके से हमने बनारस में जो DLW कारखाना था वहाँ इंजन जो है अब बिजली के भी बनने लगे हैं, दोहरीकरण का मामला जितना हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का मामला हो रहा है, ये पैसे से ही होता है। और देश के विकास में माननीय मोदी जी कहीं भी एक एक किंचित मात्र भी कामा और पुलिस साहब की तो बात ही छोड़िए, कामा और हलंत नहीं लगाते। ठीक है, जो बातें अभी शाही जी ने यहाँ पर कही हैं, राकेश सिंह यादव जी, इन पर मैं आपसे प्रतिक्रिया अवश्य लूंगी, लेकिन प्रतिभा सिंह जी, क्योंकि जेडीयू को भी बिहार के लिए एनडीए सरकार से बड़े आर्थिक लाभ की उम्मीद होगी ही, क्योंकि वर्षों से कई उम्मीदें पाले बिहार को, अब भरोसा भी होगा कि उनका दामन खाली नहीं रहेगा और विशेष राज्य के दर्जे सहित कई पुरानी मांगे इस बार पूरी भी हो जाएंगी। पिछली सरकार में भी जब हमारा एनडीए का गठबंधन रहा बिहार में और केंद्र में सरकार रही, तो कभी भी बिहार को डिमांड के हिसाब से, बिहार की जो जरूरतें हैं केंद्र ने उसकी अनदेखी नहीं की है। जिस तरह से चुनावी सभा में हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कहा भी है मंच से सबके सामने
कि केंद्र की सरकार या फिर आदरणीय नेता श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी किसी मांग को अनसुना नहीं किया, अनदेखा नहीं किया। चाहे विकास का कोई भी कार्य करना हो, चाहे अल्पसंख्यक के लिए कोई योजना लानी हो सरकार को, तो उसमें कभी अनदेखी नहीं की गई है। और रही बात, देखिए पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने जिस बदहाली में देश को ला करके छोड़ा था, तो कहीं ना कहीं 5 साल 10 साल लगते हैं उसको बैलेंस करने में। अभी एक तीसरी सरकार में तीसरी बार मोदी जी को देश की जनता ने मैंडेट दिया है, इनकी सरकार पुनः केंद्र में स्थापित हुई है, तो सभी देशवासी खुश हैं, खास करके बिहार, क्योंकि हमारा प्री पोल अलायंस है और हम मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। तो जिस तरीके से बिहार को जब भी जरूरत पड़ेगी, चाहे मामला विशेष राज्य के दर्जे का हो, विशेष पैकेज का हो, तो विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि हमारी मांग रही है, पुरानी मांग, जब से कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तभी से हमारी मांग रही है, तो केंद्र विशेष राज्य के दर्जे देने में केंद्र के सामने भी कई चुनौतियां आती हैं, और भी कई राज्य इस श्रेणी में खड़े हैं, इस पंक्ति में खड़े हैं, मांग कर रहे हैं, कई सारी चीजों को फुलफिल करना होता है, तो टाइम लगता है। ऐसा नहीं है विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, सरकार बनने के पहले से मिलेगा नहीं मिलेगा, नीतीश जी को लाना चाहिए। अरे भाई, बिहार की चिंता आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी, और चूंकि केंद्र की सरकार पूरे राज्यों के अभिभावक के रूप में कार्य करते हैं, तो उनको भी चिंता होगी कि राज्य कैसे डेवलप हो। तो विपक्ष को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि ठीक है, आप विपक्ष हैं, आप बोलिए, क्योंकि राज्य के निर्माण में या फिर देश की राष्ट्र के निर्माण में आपकी अहम भूमिका है, और आप जनता के जनहित के मुद्दे उठाते रहे, क्योंकि विपक्ष का जो काम है आप करते रहे, लेकिन चिंता करने की आपको बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जिस बदहाल बिहार को आज खुशहाल बिहार बनाने का काम किया, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से आगे भी करते रहेंगे, आप निश्चिंत रहें, और केंद्र का सहयोग हमेशा से मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। चलिए, अब तो आप खुले मन से स्वागत करेंगे ही प्रधानमंत्री का, क्योंकि अब तो आप सहयोगी हैं उनके, तो ऐसे में स्वागत तो करना ही आपको यहाँ पर पड़ेगा। और क्योंकि नीतीश कह भी रहे थे कि बिहार का जो बचा हुआ काम है वो अब तो प्रधानमंत्री करा ही देंगे, हंसते उन्होंने इस बात को यहाँ पर कहा शाही जी, क्योंकि बिहार और आंध्र की अपनी मांगे हैं, पर सर केंद्र प्रायोजित तो योजनाओं के मामले में विशेष दर्जा रखने वाले राज्यों को 90% धनराशि मिलती है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में ये अनुपात 60-70% है। बिहार और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो केंद्र पर और अधिक बोझ पड़ जाएगा। नहीं, केंद्र पर कोई बोझ पड़ने की है, तो विशेष राज्य का दर्जा देने की बात जब आएगी, जब हम देखेंगे उसको। अभी विशेष राज्य का दर्जा ना किसी ने मांगा है, बहुत पहले से मांग उठ रही है, लेकिन हमारी इस सरकार में सब लोग एकदम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, और आप लोग इन चीजों को हवा देना एकदम अब बंद कर दीजिए। नहीं, हम क्यों हवा देंगे सर, हम क्यों देंगे, हवा तो पहले से चल रही है, हमको क्या आवश्यकता है हवा देने की। ये राकेश जी के ऊपर छोड़ दीजिए, ये लोग अपना चिल्लाते रहे, इन लोग इनकी बात कोई नहीं सुन रहा। मैं बताना चाहता हूँ आपको, देश में माननीय मोदी जी, आंध्र प्रदेश में नायडू चंद्रबाबू नायडू जी, और बिहार में माननीय नीतीश जी, ये तीन लोग जो है इस समय, आप बताइए, विकास पुरुष के नाम से एक तरह से जाने जाते हैं। नीतीश जी की पहली सरकार से लेकर और आज तक, चंद्रबाबू नायडू जब तेलंगाना और हैदराबाद में आंध्रा एक साथ हुआ करता था, तो यहाँ के विकास की जो गंगा इन लोगों ने बहाई थी वो किसी से छुपी नहीं है, और वो चीजें आज बिहार को कहां से कहां उठाकर ले गई है, वो नीतीश जी की देन है। गुंडागर्दी खत्म करना, जंगल राज खत्म करना, सड़कों का जाल बिछाना, बिजली जो रात में आधा घंटा कभी आ जाती थी, वो आज जो है बिजली की व्यवस्था किस तरीके से सुदृढ़ हुई है, बिहारवासी तो नहीं सोच सकते थे। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश के हैदराबाद को साइबराबाद कहा जाता था, ये उनकी देन थी। तो ये तीनों लोग मिलकर, वो दो लोग अपने प्रदेश का और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के विकास की बात करेंगे, तो दो ये तो हमारे सहयोगी हो गए, मगर बाकी किसी राकेश जी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम तेलंगाना में भी पैसा देंगे, हम हिमाचल में भी विकास काम अवरुद्ध नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा विजन क्लियर है, पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ लोग, तो हम सबके लिए काम कर रहे हैं। हमको वो झूठ फैलाना नहीं है जो गारंटी कार्ड साइन करके जो है लोग कह रहे हैं इस समय की भाई लाइन लगी हुई है कांग्रेस के दफ्तरों पर, वो हमको नहीं करना है। हमको अपने देश को
2047 तक का विकसित भारत के रोड मैप पर ले जाना है माननीय प्रधानमंत्री जी का वो विजन, और उसमें हमारे इन दो मुख्यमंत्रियों का, तीसरा वहाँ जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, इन लोगों का जो योगदान रहेगा वो योगदान अतुलनीय रहेगा, क्योंकि ये सभी लोग विकासोन्मुखी सोच के लोग हैं। ठीक है, अपने प्रदेश मैं इस पर राकेश सिंह यादव जी से भी चर्चा कर लेती हूं, क्योंकि राकेश सिंह यादव जी लगातार देखिए विपक्ष हमेशा इस बात को लेकर आरोप लगाता रहा है, और आपके तो गठबंधन के क्योंकि सहयोगी की अगर बात करें ममता दीदी को लेकर, तो वो तो हमेशा से केंद्र के ऊपर गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आई है। अब देखिए शाही जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा जो विजन है वो सिर्फ उन राज्यों को लेकर नहीं है जहां सिर्फ बीजेपी की सरकारें हैं, बल्कि पूरे देश को हमें आगे लेकर जाना है, और चाहे बात हिमाचल की करें चाहे बात कर्नाटक की करें, हमें हर राज्य को आगे बढ़ाना है। देखिए मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को, बोलते बोलते उन्होंने ये भी बोला कि पिछले 9 साल में जो पैसा दिया बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट करी, किसकी सरकार की कौन मुख्यमंत्री था? अब तो नीतीश बाबू को ही भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, 9 साल में जो पैसा दिया वो आप बोल रहे हैं उन्होंने भ्रष्टाचार में समाप्त कर दिया। अरे नहीं, कब बोला भाई, जिसका समर्थन है झूठ फैला रहा है, आरोप लगा रहे हैं कि जो केंद्र से पैसा गया वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तो अब क्या होगा? अब हमारा को जाएगा, अब भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगा? एक मिनट को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप समर्थन दे रहे हैं। मैं याद दिला देता हूँ कि ऐसा ना बोला कर रहे हैं, अब आपके वो साथ है, अभी कब तक है ये नहीं पता। राज सवाल जो पैकेज की बात है, पैकेज देने में अभी उन्होंने स्वीकार करा है कि पैकेज देने का बोला नहीं है, सही बात है। मोदी जी कभी भी बोलते नहीं है और ना देते हैं, दोनों बातें हैं। ये पैकेज इनको अगले चुनाव तक भी नहीं मिल पाएगा, चाहे बिहार हो चाहे आंध्र प्रदेश, यही स्थिति पिछली बार रही थी वही स्थिति आज है। पश्चिम बंगाल में जिसकी जरूरत है आज उड़ीसा में तो इन्हीं की सरकार आ गई है, वहां तो सालों से विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं वो नहीं है, केरल कर्नाटक का जो पैसा देना वो रोक रखा है। इस तरीके से सिर्फ ये दर्शाना कि ये पैकेज देके हमें समर्थन हासिल है, और वो खुद ही बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है बिहार में। 9 साल से मोदी जी हैं, बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? नीतीश बाबू हैं, बिहार का विकास 9 साल तक क्यों नहीं हुआ? आप 60 साल पे जा रहे हैं, 9 साल में क्या करा आपने? ताली और थाली बजाई भ्रष्टाचार की? नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे जब वो आपके विरोधी हो गए थे, जब आप उनको गालियां बक रहे थे, आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। अगर ये दो मुंह की नीति है जो भाजपा की और मोदी सरकार की, तो उसे समर्थन लेने के लिए आज तारीफ कर रहे हैं, 15 महीने पहले उनको गाली बक रहे थे। ये देश देखता है, ये बिहार की जनता भी देखती है और देश की जनता भी देखती है और समझती है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात उन्होंने हालांकि अभी डिबेट में नहीं की है, लेकिन अगर आपने पता नहीं कहां से ये बातें सुन ली, लेकिन विशेष रिकॉर्ड रिव्यू कर लेना, उन्होंने ये बोला था कि नहीं, पूरा पूरा पूरी डिबेट सर, पूरी डिबेट रिकॉर्ड होती है, पूरी डिबेट रिकॉर्ड होती है, और आप लोगों के पास भी मुख्यमंत्री। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ पर विशेष पैकेज के साथ ही विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी बात चल रही है, और बिहार तो क्योंकि बहुत पुराने समय से बिहार की ये मांग है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, और नीतीश कुमार को उम्मीद भी है कि इस बार जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग है वो पूरी हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो विपक्ष भी अब ऐसे में विशेष राज्यों के दर्जे की मांग करने लगेगा, क्योंकि ये भी कहा जाएगा कि सिर्फ गठबंधन के साथियों के साथ ही विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है वो पूरी क्यों हो, विपक्ष की मांग पूरी क्यों ना हो? देखिए जो भी राज्य है, जो भी कमजोर राज्य है, सिर्फ बिहार मानते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोर है और उसको उसकी सहायता नहीं मिली, मिलना भी चाहिए, मोदी जी को देना भी चाहिए। अन्य राज्य जो है जिनको सहायता दी जा रही है और जिनको देना है, उनके साथ समानांतर उनको नियम बनाना चाहिए। सभी राज्यों को जो पैकेज, आर्थिक पैकेज देना है, वो सिर्फ कागजों तक सीमित ना होना चाहिए, वो आर्थिक पैकेज उनको मिलना चाहिए ताकि उनका उत्थान हो सके। बिहार के लिए हर चुनाव में बात होती है, नतीजा जीरो होता है। पिछले 15-20 साल से ये देख रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं और उसके बाद नतीजा कुछ नहीं मिलता, तो ये इस बार ऐसा ना हो जो बिहार में हमेशा होता आया है। इसलिए मोदी जी पे लेके तो शंका वैसे भी रहती है, क्योंकि वो जो घोषणा करते हैं वो कभी पूरा नहीं होती है, तो पेपरों की सुर्खियां बन के रह जाती है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। ठीक है, ये तो कहते हैं कि वो घोषणा जो करते भी नहीं है उसको भी पूरा करते हैं, वो वादे जो जनता से उन्होंने किए भी नहीं उनको भी उन्होंने पूरे किए, और अगर मैं शाही जी से इस पर बात करूंगी तो वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने लेकर बैठे आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ टीएमसी के नेता
मोहम्मद एहतेशामुल हक जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत। और हमारे साथ शिवसेना यूबीटी से प्रवक्ता संजय द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आदर्श कुमार जी भी इस डिबेट में जुड़ेंगे। तो अगर यहाँ पर बात करें एनडीए शासन में विपक्षी राज्यों का कितना विकास होगा और क्या बंगाल की शिकायत भी दूर करेंगे प्रधानमंत्री, क्या आपको अब ये लगता है, क्योंकि पिछले काफी समय से एहतेशामुल हक जी आप लोग लगातार केंद्र सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए आए हैं। जी 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 रेशु त्यागी जी, मैं इसलिए बंगाल की बात आपने कहा हमेशा से समझ लिए, पिछले 2019 में हमारे यहाँ की जनता ने 18 सीट चुनते तो बीजेपी में को जीत थी, बट लेकिन यहाँ समझ लिए कि सिर्फ जुमलाबाजी जिस तरह से चुनाव के दरमियान में करते थे उसी तरह से बंगाल के लोगों को भी, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ के समझ लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी बंगाल के लोगों को समझ लिए कि मतलब एक दूसरी आंखों से देखा, जो सौतेलापन जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि सौतेलापन वाला व्यवहार किया। और रहा के वो बड़ी बड़ी बात जिस हिसाब से करते हैं, आप देखिए आज बंगाल में देखिए आज दो राज्य मंत्री हुए, ठीक है, इसमें एक मथुआ समाज से आते हैं और एक यहाँ के जो सभापति जो प्रभारी थे यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे उन्हें डॉक्टर मजुमदार साहब को बनाया, तो ये कहीं ना कहीं समझ लिए एक भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा यहाँ बंगाल के लोगों को नहीं दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी देखिए ये एक तरह से समझ लिए, क्या मैं बताऊँ कि आप समझ में आया होगा कि मैंने आपसे अक्सर आपके एपीएन न्यूज के माध्यम से मैंने कहा था कि हम समझते हैं कि 150 से सीट बेची नहीं आएंगी, तो ये कड़ुआ सच है, आप लोग को शायद मीडिया सब ये चीज मालूम है, ठीक है, सीटों को लेकर बात नहीं चल रही है अभी, जिस विषय पर है उस बात पर रही है, अब अगले 5 साल तक आप सीटों की बात करते रहेंगे। रेशु जी ये जो है यहाँ जो है उस हिसाब से जो है कभी भी बंगाल के लोगों को इनको मालूम है कि बंगाल की जनता ने हमें 2019 में 18 सीटें दी थी लेकिन इस बार तो इनको 12 सीटें दी हैं, तो ये समझ लीजिए कि और भी समझ लिए ये और भी बिल्कुल देखेंगे नहीं, बंगाल के सौतेलापन इनका रवैया रहेगा। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। अभी भी टीएमसी इस बात को ही कह रही है शाही जी कि बंगाल के साथ आपने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और आगे भी इसी तरीके का सौतेला व्यवहार देखने को मिल सकता है। इसलिए पहले उसमें दौर में हमने कहा आपसे कि कोई सौतेलापन कहीं किसी के साथ नहीं है, हमने जिस नजर से उत्तर प्रदेश को देखा उसी नजर से बंगाल को देखा, जिस नजर से बंगाल को देखा उसी नजर से तेलंगाना को देखा, उसी नजर से महाराष्ट्र को देखा, तो इसमें सौतेलापन नहीं है, देश 140 करोड़ लोगों का है। हाँ, इन लोगों ने वहां पर एक अति जरूर मचाई, केंद्र की सरकार की योजनाओं में जो पैसा जाता था उसमें भ्रष्टाचार का पूरा हाथ, बंगाल में भ्रष्टाचार फैला था, इसलिए काफी योजनाओं के पैसे रोक दिए गए और वो जग जाहिर है, इसीलिए ममता जी बार बार उछलती थी चिल्लाती थी हमारा ये रोक दिया हमारा वो कर दिया। आप पूछिए ना बंगाल उद्योगों में कहां था, आज कहां आ गया है, उत्तर प्रदेश का क्या उछाल हुआ है, बंगाल का क्या गिराव हुआ है, बंगाल पहले तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बराबर में आता था उद्योग व्यापार, आज घट गया है, आज हजारों यूनिट वहां पर बंद पड़ी हैं, तो भाई क्या देख रही है ममता जी। ममता जी केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसे जाते थे उसका कम से कम कुछ हिसाब तो दें, वहां पर कुछ नहीं है। आयुष्मान कार्ड योजना अगर हम चलाते हैं तो वहां पर वो लागू नहीं करती है, मकान बनता है तो कहती है नहीं तो हम तो मकान हम भी बनवा रहे हैं। भाई केंद्र सरकार की योजनाओं को ये उपेक्षा आप करेंगी, आप ये कहेंगी कि नहीं हम ही सब कुछ हैं और फिर केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार की ये जो योजनाएं हैं उसकी उपेक्षा ममता दीदी बंगाल में कर रही हैं एहतेशामुल हक जी, जिस बात को शाही जी कह रहे हैं इस पर मैं आऊंगी और आपसे जवाब यहाँ पर लूंगी, लेकिन हमारे साथ संजय द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सर राज्य का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व की अगर बात करें, केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है विपक्ष के रूप में, आपकी महाराष्ट्र के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए रेशु जी बहुत स्पष्ट बात बताते हैं हम आपको, चार महाराष्ट्र की अगर बात करें हम, चार उद्योग लगने आए तो चार उद्योगों को इन्होंने गुजरात में भेज दिया। 10 साल तक प्रधानमंत्री जी ने जो विपक्ष की जहां मुख्यमंत्री थे, जहां भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं थे, वहां पे उन्होंने हमेशा सौतेला व्यवहार किया, जाए जीएसटी ले लीजिए, चाहे कोई योजना पहुंचा दी उसका ले लीजिए, पहली बात।
दूसरी बात, जब मोदी जी खुद मोदी करते रहे, मोदी गारंटी, आज पहली बार इस थर्ड टाइम में रूप चेंज हुआ थोड़ा सा। आज हुआ है एनडीए सरकार, आज एनडीए प्रधानमंत्री, आज मोदी नहीं हो रहा है, मोदी ने एनडीए के प्रधानमंत्री पर शब्द आ रहा है। तो ये चेंज अब आया है। आज ही हमारे मोहन भागवत जी ने जो आरएसएस के हैं उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से बात कही कि आप जब तक हम मिलके नहीं चलेंगे, जब तक हम साथ नहीं चलेंगे, तब तक इस देश का भविष्य, इसका हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, इस देश को आगे। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि हमेशा सौते रहता है, जब तक महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस इतना सरकार रही तो तेरा व्यवहार रहा, पश्चिम बंगाल सौतेला व्यवहार, जहाँ बिहार जब नहीं थी सौतेला व्यवहार हो रहा था, वहां पर हो रहा था, सब चीजें खराब है, ठीक है। आप मोहन भागवत जी के बयान को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है संजय द्विवेदी जी, वो सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं है बल्कि तमाम पार्टियों के लिए उन्होंने संदेश दिया है। उस संदेश को जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। मैं बता तो रहा हूँ, अगर आज केंद्र में मोदी की सरकार है और एनडीए सरकार है तो सबसे पहले किसका काम होता? इससे पहले सरकारें नहीं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी स्वागत कराती, राजीव गांधी ने उनको एक उसके द्वारा विदेश भेजा, वहाँ इलाज कराया, पहले विपक्ष था, एक वोट सरकार चली गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन आज क्या है, आज तो विधायकें तोड़ दिए जा रहे हैं, सरकारें तोड़ दी जा रही है, तो अंतर है ना। यही चीज माननीय मोहन भागवत जी को समझाएंगे कि जिस तरह जो देश चला रहे हैं इस तरह नहीं चलता है। हम तो भगवान को मनाते देखे कितने दिन की सरकार चल पाएगी। ठीक है सर, ये लोग चुनाव जीते हैं, आप लगातार बार बार कभी बैसाखियों के सहारे चलने वाली सरकार बता रहे हैं, कभी किस अलग अलग तरह की बातें आप लोग डिबेट में करते हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आता, जब पहले से ही एनडीए साथ लड़ा है तो बैसाखियों की सरकार कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, आप जी मेरी बात समझ नहीं पाए। नहीं, आप भी नहीं समझ पा रहे हैं ना सर। नहीं नहीं, बैसाखियों के सहारे चलने वाली सरकार कैसे हो सकती है, आप मुझे बता दीजिए। जब 272 से ऊपर जब कोई साथ मिलकर चल रहा है, साथ मिलकर लड़ रहा है, तो बैसाखी कैसे हुई सर, ये बताइए ना। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मैं उसी बात बता रहा हूँ ना, आप समझ जाएंगी। हाँ समझाइए सर। पिछली बार सरकार में कितने मंत्री थे और इनके कितने मंत्री थे? 4 मंत्री, विपक्ष जो एनडीए के मंत्री थे 4, और 19 में क्या हुआ, वहां भी 4 मंत्री थे, आज 11 मंत्री बने, क्यों? इसके बाद आप देखिए कि मोदी गारंटी जब इन्होंने अपना पास किया, जो ठीक है, मैं एक टिप्पणी ले लेती हूँ, हालांकि विषय आज ये नहीं है, विषय से भटक जाएंगे, लेकिन शाही जी एक टिप्पणी, ठीक है सर, मैं एक टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है सर, मुद्दा वैसे आज का नहीं है, मुद्दा नहीं है ये, आज हर दिन हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपने बात छेड़ी है तो एक टिप्पणी ले लेती हूँ। शाही जी, रेशु जी, ये वही 11 मंत्री बनाए गए हैं जिसके लिए ये लोग ये कहा करते थे, 38 दल हैं जिसमें कोई एमपी नहीं है, कोई विधायक नहीं है, और हमको पता था कि ये सभी जीत कर आने वाले हैं, तो हमने एक युति बनाई। और ये बैसाखी की बात करते हैं तो मुझे आज जिस दल की बात, ये खैर ख्वाह बने हुए हैं यूटीवी के हमारे द्विवेदी जी, वो बता देना कि 84 के बाद कब उनकी जो है पूरी 272 सीट आई थी, आप बता दे। सरकार 10 साल चलाया उन्होंने, 91 में 232 थी, 2004 में 145 थी, 2009 में जो है उनकी 206 था। तो भाई ये बताइए कि आप खुद बैसाखी की मान नहीं रहते, और अभी महाराष्ट्र जहाँ से ये आते हैं द्विवेदी जी, वहाँ पर एक महावसूली अगाड़ी बनी थी, वो वही बैसाखी की सरकार थी, सबके बहुमत के कितने वोट थे भाई, बताइए ना। मिलके आप लोगों ने खींचतान किया, गिर गई। और तीसरी बात क्या के बाद समाप्त करूंगा कि सरकार गिराने का जो आप लोग लगाते हैं, 100 से ऊपर सरकारें गिराने का आरोप नहीं, पूरा
केंद्र सरकार जो कांग्रेस समर्थित थी, पहली सरकार 1951 में केरल की गिराई गई, उसके बाद कांग्रेस ने 100 सरकारों को। चलिए ठीक है शाही जी, बात क्योंकि आज सीटों को लेकर नहीं हो रही है, बात आज किस तरीके से राज्यों का विकास होगा इसको लेकर हो रही है, इसके साथ ही विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बात हो रही है। संजय द्विवेदी जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी इसी विषय पर रहिएगा, आपके पास मैं वापस से आऊंगी एहतेशाम उल हक जी, क्योंकि संजय द्विवेदी जी अगर बात करें तो फिलहाल सबसे ज्यादा अगर इस समय चर्चा चल रही है तो वो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर चल रही है, चाहे बिहार की बात करें चाहे आंध्र की बात करें, राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर आपका क्या कुछ स्टैंड है? मुझसे पूछा आपने? जी नहीं, मैं बिहार मांग रहा है, तमिलनाडु मांग रहा है, पश्चिम बंगाल मांग रहा है, सभी लोग तो मांग रहे हैं ना। लेकिन जब मैंने जो बात अभी कही आपके बीजेपी प्रवक्ता मेरी बात समझ नहीं पाते, मुझे मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब शिवसेना गठबंधन किया था तो उनको मालूम था कि गठबंधन की सरकार ही चलेगी, 30 साल हमारा गठबंधन रहा भारतीय जनता पार्टी का, नतीजा क्या हुआ? पार्टी तोड़ दी। किस बात पर पार्टी तोड़ दी? अरे आप करो सही है, आप आरजेडी और जेडीयू थोड़ा सरकार बना लो सही है, पीडीपी सरकार बना लो सही है, माननीय मायावती सरकार बना लो सही है, आपके यहाँ राम मंदिर जो लोग मानने वाले भी बोला आपको साथ ही है सही है, लेकिन अगर हमने कांग्रेस और एनसीपी सरकार बना ली तो हमने गुनाह कर दिया। आज भाई राम मंदिर जहाँ पे फैजाबाद की सीट हार गए, अयोध्या की सीट हार गए, क्यों हार गए आप? इसका विमोचन करिए क्या? आप उत्तर प्रदेश में हैदराबाद माननीय श्रीराम जी की जगह की सीट क्यों हार गए? और जहाँ हमारे मंदिर है वहाँ वो सीटें आ रहे हैं, 5 जगह और आ रहे क्यों हार गए? जी देखिए जो मुंह में जिस बात को आप कह रहे हैं ना संजय जी, जिस बात को आप कह रहे हैं शाही जी से हर दिन यही बातें डिबेट में तमाम लोग पूछ रहे हैं और एक ही जवाब उनका बार बार होता है, मुझे लगता है क्योंकि विषय ये रही है, बार बार विषय से आप लोग भटक जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तमाम आरोप शाही जी लगाते हुए नजर आ रहे थे एहतेशाम उल हक जी ममता दीदी के ऊपर, और उन्होंने कहा कि केंद्र से तमाम पैसा भेजा जाता है लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से जो पैसा है वो रोका गया, इसके साथ ही उनकी बात का तो आप जवाब दीजिएगा ही, साथ ही ये भी बताइए क्योंकि आपके सांसद केंद्र सरकार पर आर्थिक आतंकवाद के आरोप कई बार लगाते हुए आए हैं, क्या नाराजगी है आपकी जिससे इतना गंभीर आरोप आप लोगों को लगाना पड़ रहा है? देखिए रेशु त्यागी जी, सबसे पहले जो आपने कहा कि हमारा जो केंद्र का पैसा जो हमारे जीएसटी के द्वारा जो उठा कर लेके जाते हैं, हमारे समझ लीजिए कि जो मनरेगा का पैसा है, जो 100 दिन का पैसा जो है हमारा 1,15,000 करोड़ रुपया समझ लीजिए कि हम लोगों का बाकी है, जो हमारे राज्य से लेकर केंद्र सरकार हमें भीख के रूप में मतलब देते हैं, 10,000, 5,000, 2,000 करोड़ के शक्ल में देते हैं, हमारा ही पैसा हमें भीख मांगना पड़ता है, जबकि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इसी के कारण में, हम लोग यहाँ से दिल्ली भी किए थे, बाद में कोलकाता के समझ लीजिए कि यहाँ पर भी हम लोग जबरदस्त प्रोटेस्ट किए थे, 2-3 दफा प्रोटेस्ट किए थे, हमें भी नहीं पैसा हमको भीख के तौर पर मांगना पड़ता, तो ये एक तरह से एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल लगाने की बात नहीं करते, ये बोलते हैं कि हम सेकुलर है, ये बोलते हैं हम सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास वाली बात जो बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो क्यों बंगाल के साथ में इतरस करते हैं? हमें पैसा हमारी पैसा देने की क्यों तकलीफ है? ये तो मैं उनसे कोई उधार नहीं मांग रहा, हमारे राज्य की जो पैसा जो 100 दिन का पैसा है, जो समझ लीजिए आवास योजना का पैसा है, जो हमारे जीएसटी का पैसा है, जो पैसा यहाँ से लेके जाते हैं और मोदी जी वहाँ हमें भीख के तौर पर देते हैं, तो ये क्या तरीका? ये तो सौतेलापन है, तो इसलिए मैं क्यों नहीं, मैं जरूर इस तरह से हम केंद्र के जो बैठे हुए थे उस पर मैं ये बोलूंगा, तो हमारी यहाँ हम लोगों के साथ में हमेशा सौतेलापन रहा है, देखिए पिछले 2-3 साल से हम लोग लगातार समझ लीजिए कि 21 के बाद में चुनाव हुआ, जो जनता ने यहाँ इन लोगों को नकार दिया, जो उन लोग बड़ी बड़ी बात कहे थे कि आपकी बात 200 के पार, तो जनता यहाँ 70 सीट पर उनको ब्रेक लगा दिया, तो हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, ताकि ममता बनर्जी की सरकार बदनाम और यहाँ के लोग जो है ममता बनर्जी को नाम से हम पैसा ताकि हम रोक दें, लेकिन ये तो अच्छी बात, ये
ये अलग निकली है, ये तो कितनी गलत बात है। ये हमारा पैसा जो हमारे राज्य से पैसा लेके जाते हैं और उसे आप हमको देने में तकलीफ होती है, ये किस तरह की बात है? ये तो कहीं ना कहीं तो ये समझिए इस तरह सब एक हमारी लंबी षड्यंत्र, ये लंबी साजिश है ताकि ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी के मतलब वहाँ के लोगों को, सरकार को बदनाम किया जाए। ये तो अच्छी बात नहीं है ऋषि त्यागी जी। एक अकॉर्डिंग देखिए आप लोग जर्नलिस्ट है, अच्छे अच्छे बातों पर डिबेट कर रहे हैं। आज का मोटिव यही है कि हमारे मतलब विशेष राज्य का दर्जा किस तरह दिया जाएगा। अभी वो बंगाल को कभी भी नहीं देखेंगे, वो बिहार को देखेंगे इसलिए अभी उनका एक बैसाखी उनके पास में, एक बार आंध्र प्रदेश को देखेंगे अभी एक बैसाखी उनके पास में है। तो ये तो नहीं होता। केंद्र का मतलब जो होता है, केंद्र में समझ लिए 25 करोड़ जनता ने उनको जून दर से जनादेश दिया है। आज 200 समझ लिए कि 92 सीट अगर एनडीए, जिस हिसाब से हमारे एक साहिद जी बोल रहे थे कि भाई बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, तो बड़ी बात क्यों नहीं? आपको मौका, आपने एनडीए का पूरे 2024 में आपने कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ मोदी की गारंटी इस्तेमाल किया, तो आपको तो सुनना पड़ेगा। आप इस तरह की बात क्यों करते हैं? आप टीवी पर बात कुछ कर रहे हैं, अब सामने कुछ और बात बोल रहे हैं। तो आप जो मोदी जी जितने भी सभा किए कहीं पर भी बोले कि एनडीए की सरकार आएगी, उन्होंने कहा मोदी की गारंटी है बीजेपी की सरकार, जबकि उनके आरएसएस जो उनको सपोर्ट किए थे, आप उनके जो यहाँ के सभापति थे जो उन्होंने भी कहा कि अब हमें जो है कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो वो तो किसी का नहीं है, वो तो अपने लोगों का नहीं है, तो आम हमारे राज्य बंगाल का कहाँ से होगा? ठीक है, आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को देखते हुए सौतेला व्यवहार करती है, अपना और पराया करती है। एक टिप्पणी इस पर आपसे भी लेना चाहूंगी संजय द्विवेदी जी। संजय जी देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है अभी हमारे सीएमडी के प्रवक्ता जी ने। आप देखिए आज अभी तक मोदी गारंटी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, आज एनडीए सरकार आई है, आज एनडीए सरकार आई है। मुझे चलो इस बात की खुशी है कि हमारे मोदी जी का अहंकार टूटा, तानाशाही टूटी, अब देखते हैं 5 साल सरकार कैसे चलेगी। मैं यही चाह रहा हूँ कि देखिए अगर आपने नारा दिया है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, तो उसमें सबका विकास होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित हो चाहे ईसाई हो चाहे जो भी जाति का हो, उनका भी विश्वास होना चाहिए। आप कह रहे थे तिरंगा में बांटे, तिरंगे जब आप 1000 रुपए दाम कर देंगे उनके, 1100 रुपए दाम कर देंगे, तो आम जन तिरंगे काम नहीं पाएगा। पेट्रोल डीजल का आप दाम बढ़ा देंगे, महंगाई बढ़ा दी आपने, आज जो है एनडीए सरकार बनी है, तो सबसे पहले माननीय मोदी जी को इससे विचार करना चाहिए कि ये चीजें कहते थे विशेष राज्य दर्जा जो पश्चिम बंगाल मांग रहा है या बिहार मांग रहा है जो आंध्र प्रदेश मांग रहा है वो कहते थे हम, तो ये चीजें किसको देख रही है? केंद्र सरकार को देख रही है। आप वो एनडीए के मुखौटा लगा के देखें, अभी तो मोदी का मुखौटा लगा के देखते थे, अब वो एनडीए का मुखौटा लगा के देखे कि हमारे साथ में जो विपक्ष अभी लोग हैं उनका क्या, वो अभी तो जो जेल डालो नीट चल रही थी, विपक्ष को अरे हाथों नीट चल रही थी, इनको गिरफ्तार करो, इन्हें जेल में डालो, इनको प्रताड़ित करो, इन पर ईडी लगाओ, इन पर सीबीआई लगाओ, ये काम बंद करके एनडीए देश के देश को आगे बढ़ाने में, देश की प्रगति में, देश के विकास में अगर मोदी जी आगे चलेंगे तो निश्चित है ये सही दिशा होगी। लेकिन अगर जैसे 10 साल पहले शाही जी एनडीए के चार चरित्र और चेहरे पर सवाल यहाँ पर संजय जी उठा रहे हैं, इस पर आप जवाब दे दीजिएगा जी। मैं 10 सेकंड लूंगा, अभी इन्होंने वसूली सरकार चाही, मैं 10 सेकंड में रहता हूँ जी। सर आपको जाना भी है ना, तो जवाब तो लेकर जाएंगे आप, फिर जवाब कब लेंगे? 10 सेकंड वसूली सरकार जो महाराज जी कही वही वसूली वाले सब इनकी पार्टी में आके आज मुख्यमंत्री बने बैठे, तो क्या बात करेंगे देश से? जवाब लेंगे, बात करेंगे, ठीक है। कैसी शाही जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारों तक सीमित है। देखिए टीएमसी के नेता अभी कुछ आरोप लगा रहे थे, इन लोगों ने वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना आपको पता है अभी 3 करोड़ का कल ही घोषणा हुई है, बंगाल में जानती है इन लोगों ने क्या किया था? वहाँ बंगला आवास योजना कर दिया, उसका नाम ही बदल दिया। अब प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से पैसा मिलेगा, बंगला आवास योजना करेंगी, पैसा रुकेगा या नहीं रुकेगा जरा आप बताइएगा। राज्य सरकार को मनरेगा के लिए भी कह रहे हैं, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया मनरेगा में, 19-20 में 8,507 करोड़ रुपए भेजे गए थे, 20-21 में 11,454 करोड़ रुपए भेजे गए, 21-22 में 7,507 करोड़ रुपए भेजे गए। मनरेगा में नियम यह होता है कि जब मनरेगा का काम होता है तो वहां पर उपभोग का प्रमाण पत्र देना पड़ता है ग्रामीण विकास मंत्रालय को। बंगाल की सरकार उसमें अनियमितता कर रही थी, जब उन्होंने ये उपभोग का प्रमाण पत्र नहीं दिया तो मनरेगा एक्ट के धारा 27 के अंतर्गत
पैसा रोकने का प्रावधान भी है, इसलिए पैसा रोक दिया गया। जब आप खर्च कर रहे हैं तो खर्च का हिसाब भी तो देना पड़ेगा कि हमने ये पैसा लिया, ये उपभोग किया। चाहे आप भी मान लीजिए रेशु जी, एक जनरल चीज कह रहा हूँ, आप अगर कहीं से पैसा आपके टीवी चैनल से आपको मिलता है तो आप खर्च का हिसाब देंगी उनको, फिर अगला पैसा आपको किसी काम के लिए मिलेगा, नहीं तो आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग रहेगा वो। तो इन लोगों ने उसका उपभोग प्रमाण पत्र नहीं दिया और उस कागज के चक्कर में एक बना हुआ है जो मनरेगा का, उसको पैसा रोक दिया गया। तो इसमें चिल्लाने चीखने की और आंदोलन करने की जरूरत क्या है? तीन साल का मैंने बताया कि इतने इतने हजार करोड़ रुपए मिले इनको, जब तक इन्होंने दिया बाद में इन लोगों ने रोक दिया। ठीक है सर, समय का अभाव है, चलते चलते संक्षेप में, क्योंकि कुछ कहना चाह रहे हैं एहतेशामुल हक जी, सर संक्षेप में। देखिए, हमारे मित्र जो साझेदारी जी कह रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए, कोई भी योजनाएं जब होती है तो 40-50% सरकार की होती है और 40-50% केंद्र सरकार की होती है, दोनों के सहमत से एक योजनाएं होती है। तो हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे जो बंगला आवास योजना, हमारी आज नेत्री हमारी ममता बनर्जी ने 3 करोड़ लोगों को घोषणा की है कि हम अपने बंगाल के लोगों को 3 करोड़ घर बना करके देंगे। तो आप जो इस हिसाब से बोल रहे हैं कि पैसे रोक करके रखे, तो यह क्या आप हमारे परेशान कर दे रहे, क्या मेरा पैसा ले करके आप हमें देंगे? ये एक कौन सा ये है? ये तो हठधर्मी है। आप भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी पार्टी है, हठधर्मी भी कर रही है हमारे पार्टी के साथ और हमारे बंगाल के साथ में। तो पिछला बार देखिए, आप 18 थे, इस बार 12 आए हैं, आने वाले दिनों में आपकी सिफारिश हो जाएगी। रेशु त्यागी जी, मैं साफ लफ्जों में बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जनता को आप जितना भी अगर जुल्म करेंगे, जितना भी पैसा रोक के रखेंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी की समझ लीजिए टाइटा पीस होगी और उतनी ही भारतीय जनता पार्टी की बदनामी होगी। इसलिए कि ये पैसा हर गरीबों का पैसा है, जो बंगाल के 10 करोड़ जनता है, जिससे टैक्स पैसा। ठीक है, आप बदनामी की बात कर रहे हैं तो बदनामी का डर तो कहीं ना कहीं एनडीए को होगा ना, तो इस बात को जो आपने यहाँ पर कहा है वो इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।